की वजह से मिली है। तो सबसे पहले हम अपने कंपनी के सीईओ मिस्टर अनिल सर को, अपने डायरेक्टर मिस्टर मिंटू सर, मिस्टर प्रवीण सर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जो यहां से चल के और अपना अच्छा खासा लोग सपना, बड़े बड़े सपनों को यहां पूरा कर रहे हैं। और ये लेवल देखिए, ये सफर हमारा लगभग एक साल पूरा हुआ, इसी फरवरी महीने से बिजनेस को स्टार्ट किए थे। और जब 15 जनवरी को कंपनी की लॉन्चिंग हुई थी, यानी सर इनवाइट किए थे हम लोग, हम और हमारे सीनियर जगन्नाथ जी, प्रमोद यादव जी, तीनों लोग गए थे वहां पे और बिजनेस को देखे, बिजनेस ज्वाइन किए। लेकिन जो वर्किंग हुआ वो समझिए मार्च से स्टार्ट हुआ, एक साल का सफर रहा। एक साल के सफर में ये सारी उपलब्धि मिली, लेकिन हाँ, और एक साल के सफर में अपने टीम के साथ दिन रात लगा रहा, हमारे अपलाइन लोगों का सहयोग रहा, हमारे सीईओ सर का सहयोग रहा, जगन्नाथ जी का सहयोग रहा, अपनी पूरी प्यारी सी टीम का सहयोग रहा कि जो आज ये लेवल हासिल हुआ है। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो गलती करते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, थोड़ा अपने लोकल में ही ज्यादा रहना चाहते हैं। लेकिन सर, मैं शुरुआत में ही लगभग, मैं पहला हमारा मीटिंग अप्रैल में मेरा गुजरात में, जब अपना ये क्षेत्र छोड़ा तो गुजरात गया, तो मेरी पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। और आज कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे एक लेग जो गुजरात है, आज गुजरात से चार लोग टू स्टार हैं। सारे टू स्टार को, सारे स्टार को सलाम। और चार लोग टू स्टार हैं और एक लोग अहमदाबाद से बस ज्यादा एक हफ्ते के अंदर वो भी हो जाएंगे, यानी एक लेग से पांच टू स्टार। और बाकी के जो हमारे इधर लेग हैं, यहाँ पे भी स्लो है, यहाँ पे अभी एक टू स्टार हुए। तो कहने का मतलब कि गांव का बिजनेस और एक सिटी लेवल का बिजनेस थोड़ा अंतर पड़ जाता है। यहाँ पे सर छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोग डरते हैं, गारंटी की बात करते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है, मैं भी किया हूँ। लेकिन ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ नहीं ध्यान देना, हमको अपने क्षेत्र से काम को करते करते हमको थोड़ा दूरदर्शिता बढ़ाना है, हमको थोड़ा दूर भागना है। क्योंकि जब दूर में, क्योंकि सिटी में बिजनेस जाएगा तो वहाँ के लोग रिस्क लेना जानते हैं और कुछ करना जानते हैं, कुछ उनके अंदर जज्बे होते हैं। तो थोड़ा यहाँ से और बाहर के अंतर में जरूर उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको दिन रात लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मेरा यही लक्ष्य है कि सिंगापुर तक जो कमेंट किया था कि 20 तारीख से पहले अपने पूरी टीम के सहयोग से आज वो लेवल हासिल किया हूँ, इसके लिए फिर से एक बार थैंक्स बोलता हूँ। और फिर वहीं पे ही मैं बोला था कि सिंगापुर में 5 स्टार बनने के लिए, और वो भी पूरा किया जाएगा अपने टीम के साथ दिन रात। यहाँ हम लोग अपने प्रमोशन के बारे में नहीं सोचते हैं, यहाँ हम लोग प्लानिंग करते हैं। और यही सबको सलाह दे रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो एक्सपर्ट का प्रमोशन, उसका क्राइटेरिया कितना है, किस लेग में कितना चाहिए कितना नहीं, उनको मालूम नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो $400-500 के वजह से प्रमोशन उनका रुका हुआ है, उनको हम लोग क्या करना, उनकी आईडी को खोल के जहां से चेक किया जाता है उनका प्रमोशन, वहां से चेक करिए, उनको समझाइए कि आपका इस लेग में इतना, इस लेग में इतना है, कौन से लेग में आप इतना बिजनेस डालेंगे कि आपका हो जाएगा। तो जो एक पहला लेवल होता है, जब उनका लेवल अचीव होगा, उनको सम्मान मिलेगा, उनको शुभकामनाएं मिलेंगे, तो उनके अंदर एक जोश आएगा कि यार, हम तो मजाक में ही चालू किए थे और देखिए हमारा एक लेवल अचीव हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज आपको केयर करना पड़ेगा, अपने टीम में आपको लगना पड़ेगा। और चाहे छोटी खुशी हो चाहे बड़ी खुशी हो, अपने टीम के बीच आपको छोटी छोटी पार्टी के बहाने, कुछ भी किसी भी चीज के बहाने, आप छोटा अपने घर पे छोटी पार्टी रखिए, वहां पे अपने लोगों को इनवाइट करिए, आप बातचीत करिए, उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करिए, जो नहीं सॉल्व हो रहा आप वो प्रॉब्लम अपने ऊपर तक आप पहुंचाइए कि भाई हमारे टीम में ये सॉल्व है, कैसे होगा। और उसको अगर जो आप अपने अंदर छिपा के रखेंगे, जो दिक्कत होगी तो वहीं पे दिक्कत हो जाता है। इसलिए आप लगिए, और बस सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने टीम के साथ आप पूरा बन के रहेंगे और सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। और गुजरात टीम की सर बात करें, और अच्छे अच्छे लोग गुजरात से, आरसी पांडे जी, एसपी पाठक जी, अहमदाबाद सुदय भान जी, सीएच पांडे जी, अभी किसका बहुत सारा नाम, अनुज और प्रभु भाई, किशोर भाई, अनुज सैनी जी हैं, ब्रजेश जी, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो एक्टिव लीडर हैं हमारे इधर के, यहाँ की बात करें
तो प्रमोद यादव जी हैं, दुर्विजय जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। पूरी प्यारी सी अपनी टीम को मैं एक वादा करता हूँ, साथ में लेके चलूंगा। बहुत खुशी होती है कि गुजरात से बस जल्दी ही चार हुए हैं, जल्दी ही पांचवा नंबर है, और सिंगापुर तक मेरा सपना है कि कम से कम हम हमारे फाइव के साथ साथ कम से कम एक लोग दो लोग थ्री स्टार जाएंगे और 10 लोग टू स्टार ले जाने की हमारी मनोकामना है। और मैं बहुत अपने टीम बढ़िया, के साथ दिनों रात लग के वो लक्ष्य को मैं पूरा कराऊंगा, ये मेरा वादा है।